And he did not. Who identified? एक मिनट. And there's a catch to it. But then he withdraws. No. आपसे जो पूछा जा रहा है, please आप उसके जवाब देना पहले. I'm sorry, maybe I. फिर से सुने. He gives a declaration. He gives a declaration that I belong to a particular party. He also gives a certificate of the same party that he is our candidate for this constituency. ऐसे लोग हैं. And he does not withdraw it. And you have still declared him as independent. Sir, पहले ये दिखा दें. सिकंदर साहब, ये दो conditions वाले हैं. सिकंदर साहब, then he withdraws. मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि he does not withdraw and still you have declared him as an independent. Can you take us through the chart and let's examine? कोई है? साथ withdrawal की डिमांड पूछ रहे हैं. आप जवाब दे सकते हैं इसका या नहीं दे सकते? जवाब तो दीजिए ना. मैं इसका जवाब चार्ट से दूंगा. Because 81 है तो वो different. सिकंदर साहब, because no one they have. आप अपने इनको बोलने ना सर साहब को के जरा जवाब. सिकंदर साहब, they have not. सर एक सेकंड, आपका जवाब इस चार्ट में है जो आपने खुद हमें दिया है. जी. Let's go to the chart. ठीक है सर. इसमें सीरियल नंबर 12 देख लीजिए. सीरियल नंबर 12 पे और सीरियल नंबर 20 पे. चार्ट पे जाने से पहले एक फिगर जरा नोट कर लें सिकंदर साहब प्लीज. यहाँ पे चार्ट पे जरा फिगर नोट कर लें. फर्स्ट पेज पे कॉलम में फिगर नोट करें जरा. मैंने भी वर्कआउट किया. आपने चार्ट दिया है 81 कैंडिडेट्स का जिनको इंडिपेंडेंट सिंबल मिले. जी. इसमें जरा जो कॉलम है ना, सिक्स कॉलम में आइए. स्टेटमेंट एंड नॉमिनेशन फॉर्म गिवन इन डिक्लेरेशन एंड ओथ बाय द पर्सन नॉमिनेटेड बिलोंग टू विच पार्टी. इसमें 81 में से 35 ने ये ब्लैंक रखा है. जी, ये जरा नोट करें. नोट करें, सवाल सर, पूछेंगे. अगर आगे चलें वो मैं दिखाऊंगा. जी, अगला कॉलम है. 35 ने ब्लैंक लिखा. कुछ ने लिखा पीटीआई. जी, कुछ ने लिखा इंडिपेंडेंट. बिल्कुल. और दो ने लिखा कि शैल बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ सिंबल. दो ने सर दो टिकट दिए. अगर आगे चलें प्लीज कंटिन्यू करें इसको. अगले कॉलम में आइए. अगले कॉलम में है सर्टिफिकेट ऑफ पार्टी एफिलिएशन अंडर सेक्शन 66 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017. इसमें 81 में से 48 ने इसको नील रखा. 48 ने. अब आगे चलते हैं. अगले कॉलम में आइए. स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन एफिडेविट अकंपनिंग सेक्शन 66 सर्टिफिकेट. ये 65 ने नील रखा. आगे चलें. रिटन एप्लीकेशन टू आरओ फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिंबल टू कंटेस्ट इलेक्शन एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. ये भी 65 ने कुछ नहीं लिखा. Yes. ब्लैंक. Yes. फिर सिंबल 81 को इंडिपेंडेंट अलॉट हुए. जी. तो ये मैनिफेस्ट नहीं करता कि पीटीआई के कैंडिडेट्स का नॉन सीरियस एटीट्यूड था इलेक्शन के दिन. सर ये if I may not, can I use the word confused at least at the very least. इसमें 12 and serial number 12. But sir, Mr. Jesse, that is the answer to my question. सिकंदर साहब, आप तसल्ली रखें. आप एक एक सवाल का जवाब देंगे. देखें serial number 12 और 20 पे तो दोनों ही PTI हैं. Declaration में भी PTI है, ticket भी PTI का है. जी. और फिर आखिर में ये वो contest. अगर एक ये जो दो my lord ने जो जिक्र किया दोनों अगर match कर रहे हैं. जी. तो फिर आप उसको कंफ्यूज कर रहे हैं सिंबल से. उसको हम पीटीआई क्यों ना तसव्वुर करें. बात है ना? ये सवाल है. जैसे 12 नंबर वाला है ना. 12 में तो 12 में उसमें आपने लिखा पीटीआई. डिक्लेरेशन भी है. देखिए दो बातें ना, डिक्लेरेशन भी आ गया और सर्टिफिकेशन भी आ गया. बिल्कुल. तो इसको क्यों ना पीटीआई कैंडिडेट तसव्वुर किया जाए सर. बिकॉज अगले कॉलम में एट सीरियल नंबर 1. दिस इज माई आंसर सर. एंड आई एम सॉरी इफ आई एम. आपका आंसर है फिर आप सिंबल से कनेक्ट कर रहे हो ना इसको. नहीं, मगर इधर देखें, इधर उनके नॉमिनेशन पेपर में सर्टिफिकेट में कोई तजाद नहीं है. वाजे है. बट देन दे चेंज दैट पोजीशन. एक सेकंड ठहर तो जाइए ना. आप तसल्ली रखें ना. वो चेंज नहीं कर रहे हैं. वो फिर पोजीशन आप चेंज कर रहे हैं. वो वाली आपकी बात सही है जहाँ आप एक ये दे रहे हो एक ये दे रहे हो. मैं क्या करूँ, मैंने तुम्हें बचा लिया, मैंने इंडिपेंडेंट ले आया. चलो भाई तुम बच गए. एक दूसरा है कि वो नॉमिनेशन पेपर भी लिख रहा है और सर्टिफिकेट भी ला रहा है उसी पार्टी का जो भी पार्टी है. तो उसको आप उस पार्टी का क्यों नहीं तसव्वुर कर रहे हैं. सिंबल एक अलग चीज है, समझने की कोशिश करें. वो एक अलग चीज है. आप उसको मिक्सअप कर रहे हैं बार बार. वो आप उस पर बेशक वो उसको आप सिंबल आप चलें सिंबल भी दूसरा दे दें, मगर उसको तसव्वुर फिर भी किया जाएगा कि वो पीटीआई का है. तो ये किसी को क्या मैथ करके हमें टोटल बता. आप समझे मेरी बात. आप मेरी बात समझ गए. आप मेरी बात समझ गए. वो तो आप
आप बार बार जाएंगे कि वो yes, I, my lord, all I have to say, मैं बार बार उधर ही जाऊंगा बट आई हैव नोटेड माय लॉर्ड साहब हमें बस आइडेंटिफाई करने कितने मैं वापस अंदर साहब मैं अपने सवाल पे वापस आता हूं सिकंदर मैं अपने सवाल पे वापस आता हूं कि आप पहले सीरियल नंबर 22 पे आ जाएं जी सर उसने थ्रू आउट अपने आप को पीटीआई का डिक्लेयर किया बिल्कुल उसने सर्टिफिकेट्स भी दिए बिल्कुल उसने विड्रॉल भी नहीं की जी आपने इसको अदर देन पीटीआई कैसे ट्रीट सर ये उसने रिटन विड्रॉल नहीं की ये उसने ओरली आके रिक्वेस्ट किया ये उसका आंसर सिकंदर मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है मैंने सवाल जो आपसे किया 12 तारीख वॉज द लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल इसके अलावा एक शख्स एक पार्टी देखिए एक एक सिस्टम होता है विड्रॉल एज कैंडिडेट सुन ले सर एक सिस्टम होता है एक पार्टी को आप कहते हैं कि ठीक है मैं आपकी तरफ से खड़ा हो रहा हूँ पार्टी भी कोई और कैंडिडेट खड़ा नहीं करती ये तो कल आप बिट्रे कर रहे हैं पार्टी को कि आप एन मौके पे जी मैं विड्रॉ कर रहा हूँ उससे पार्टी के पास चांस भी नहीं है कि वो दूसरा कैंडिडेट सबमिट कर ले सो एज फार आई एम कंसर्न मेरे हिसाब से द कैंडिडेट हैज नो पावर टू विड्रॉ After the date of withdrawal is complete, he has no power. फिर सर हम उनको सारों को disenfranchise कर देते हैं। और आपके आप आपका जवाब हमने सुन लिया। आपका जवाब है जो मुझे Yes. क्लिक नहीं कर yes, रहा yes, ठीक है आई एक्सेप्ट मगर आपका ही जवाब है मैंने जवाब बस फिर आगे बढ़ते हैं थैंक यू सर आई एम मोस्ट ग्रेटफुल मेरे सवाल का जवाब दे दें प्लीज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ योर ऑर्डर ऑफ 22/12/23 ऑन ऑल ऑफ दिस बिकॉज द विड्रॉल ऑल्सो टेक्स प्लेस सॉरी द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग इज ऑल्सो 24 आफ्टर योर ऑर्डर सो सम कंफ्यूजन वॉज क्रिएटेड विच यू डिडंट क्लैरिफाई एट दैट पॉइंट on your order of 22/12/23 when you said that because of the internal elections of the party they cannot now be allotted the symbol so it does create some confusion that now that the party can't be given the symbol how are these candidates to treat themselves and hence consequent to that as it goes on wo confusion chalti jati hai so at what stage did you clarify this confusion or rather I would say why is it that you accepted the stance of all these people who maintained that they belong to a particular party throughout and said that they are independent because as I asked the other day ke tera kaun se kehna party affiliation certificate le aao was how could they bring it when the party could not contest the election so there's no certificate that they understood to bring and you didn't clarify it in any of your orders you maintained that now we will treat you as independent so having been part of the confusion what is it that you're expecting from the candidates who are probably just as confused as you are Lord leadership my response to that is that number it starts on 22/12 so you see uske baad confusion shuru ho gayi ki agar party ko nahi mila to candidate ko kya karna hai aur candidate wo symbol le sakta hai ke nahi uske baad aapka order aa gaya ki ji nahi le sakta to is dauran ye sara jo कंफ्यूजन हो रहा है ये उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा ना कि इसको हम सेपरेट करके देखेंगे और उन पर बर्डन डाल देंगे फॉर देयर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया आई कांट I as ECP I can't provide legal advice you don't have to provide legal advice a particular political party I have to remain objective and ek second ECP allowed them to contest elections there was the other option was that on based on these contradictions like my lord is also observing there could have been a harsher order perhaps they were all allowed to contest why would you go to the harsher order and not go back to the original form this is and council and the original form ones bahut kam hai main aapko match karta hu wo alag baat hai that's on a factual premise ek dafa principle tha sikandar sir your conundrum or your problem lay in section 240 because the pti is not just one you're not talking of a one off candidate and going to the president for that you're talking of a major level national party or does even not the election commission understand that about political parties no, obviously you do yes, so here is a major level national level political party on the opening day of filing of nomination papers you are saying you will not get this symbol at the same time you accept that the consequence the effect
of the final order of the Supreme Court on the 13th of January, which upheld your order, was not to eliminate PTI from the electoral fray. And that is what your position should be. Here is a national level political party. We, the Election Commission, do not absolutely intend to eliminate them from the electoral fray. But we made this order. We can't give them the election symbol. Here is a difficulty in applying the provisions of the Act, because 67.2 says one thing, 67.3 goes on a totally different premise. Conveniently, you say, oh, there's just binary. You could have said, we at once go to the president, we make this order under section 240, we clarify that it is our order, we stand behind our order, that they can't get the election symbol, but absolutely we don't want to eliminate PTI from the electoral fray. Therefore, since this situation is not envisaged and it's going to create that difficulty, you should foresee that. You have to be proactive. The election program, your election program is kicking in. You should have said, we will give them quote-unquote independent or non-party. I won't say independent because that creates the confusion.